आप तो यहीं रहते हैं जी, क्या क्या कहना चाहेंगे सुशांत सिंह की? यही मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वेरी यंग और इतना टैलेंटेड एक्टर, और अभी तो करियर स्टार्ट हुआ था उसका। तो हम लोग तो यहाँ पे वॉक करते रहते, अक्सर मिलते रहते थे। उससे पहले अर्जुन रामपाल यहाँ पे रहकर गए, ये आमिर खान के चाचा का बंगलो है, जिनका डेथ हो गया था ट्रेन से गिरकर, उनका बंगलो है। सुशांत सिंह अक्सर कभी सुबह में कभी शाम में यहाँ पर आते थे और हम लोग मिलते थे। ज़्यादातर सुबह में मैं अक्सर वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ यहाँ पर, तो मैं मिलता था क्योंकि मेरा बचपन यहाँ पर निकला है। और काफ़ी एक्टर लोग आते हैं यहाँ पर शाम में और सुबह में, बट हम कन्फ्यूज कि इतना टैलेंटेड एक्टर कैसे सुसाइड कर सकता है। कब आखिरी बार कब आपने देखा उनको? तो जैसे आप बता रहे वॉक करने आते थे, हाँ, दो दिन पहले, तीन दिन पहले आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, पाँच छः दिन पहले देखा था उसको, क्योंकि वो बंदा अपने कैप लगा कर सीधा वॉक कर रहा था। जब 8 तारीख के बाद ये ओपन हुआ तो सडनली वो बंदा निकला, वॉक किया, उसके बाद फिर 5 मिनट देखा मैंने, लेकिन हम लोग को कोई मतलब नहीं, काम से काम रखते हैं हम लोग, मैं भी इंडस्ट्री से हूँ, तो वो बंदा चला गया लेकिन हम लोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी एक्टर वगैरह आते हैं जोगस पार्क में, क्योंकि कितनी बड़ा दुख है, कितनी बड़ी क्षति है सर इंडस्ट्रीज को, तो बहुत बड़ा लॉस है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं तो लॉस तो है इंडस्ट्रीज को, और दुख तो होगा ना, इतना अच्छा टैलेंटेड एक्टर चला गया, अभी अभी करियर स्टार्ट हुआ। धोनी देख लो आप, पिक्चर कोई भी पिक्चर उठाकर देख लो, वेरी टैलेंटेड एक्टर सर। सो पड़ोसियों के नाते कितना दुख है आपको? बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि यंग था, क्योंकि एजेंट होता है कुछ होता है तो चलो ठीक है ठीक है। अभी ऋषि सर थे एक इरफान खान, ऋषि सर का चलो ठीक है, उनका भी बहुत अफसोस हुआ। इरफान खान जो बेस्ट एक्टर थे वो जा रहे हैं इंडस्ट्री से। Gracias.
Thank you.